जनता को काफी बड़े पैमाने पर संक्रमण से हम लोगों ने बचाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन हमारे सामने चैलेंज बना हुआ था क्योंकि 25 से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, हमारे यहाँ 22 को जनता कर्फ्यू के साथ ही हम लोगों ने 16 जनपदों में 22 के बाद 23 मार्च से ही लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और वे जनपद अभी भी लगातार लॉकडाउन के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं मानता हूँ तात्कालिक परेशानी लोगों को है, लेकिन हमें एक बेहतर और उत्तम स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि आज की इस परेशानी को हम तात्कालिक दृष्टि से स्वीकारें और इसमें शासन प्रशासन के साथ सहभागी बनकर के इसमें अपना योगदान दें। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होने के तीसरे दिन ही बड़े पैमाने पर दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश के प्रवासी जो कामगार और श्रमिक थे, इनका वहां से पैदल ही चलना हो गया और वे पैदल ही जब उत्तर प्रदेश की ओर अपना रुख किए तो इन्हें इनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई और सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने, उन्हें वहां पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना और फिर उस क्वारंटाइन के माध्यम से उन्हें वहां पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई करना, ये सभी कार्य हम लोगों को वहां पर करने थे। और पहले ही चरण में जो एक सबसे बड़ी परीक्षा हमारी थी कि लगभग 4 लाख लोग जो उस दौरान उत्तर प्रदेश में आए, इन सभी को हमने सुरक्षित इनके जनपद में, इनके गांव में इन्हें हमने क्वारंटाइन में रखा, शेल्टर होम में रखा, वहां पर इनके लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, दवा आदि की व्यवस्था की। और उसमें मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1.5 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख से अधिक ऐसे कामगार और श्रमिक आए जिन्हें हम सुरक्षित आज होम क्वारंटाइन में उनके घर में भेजे हैं और ये सभी संक्रमण से मुक्त हैं, किसी भी प्रकार का कोई कोरोना का या किसी भी प्रकार का संक्रमण उसमें नहीं। और उसमें से बहुत सारे लोग तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्य में लगे हुए हैं, लग चुके हैं, अपना कारोबार या काम धाम उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरे सामने दूसरा चैलेंज था कि जो हमारे छात्र हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गया है और परिवार से दूर कोटा में रह करके उनके सामने जो परिस्थिति है लॉकडाउन के दौरान, ऐसे 11,500 से अधिक अपने उन युवा साथियों को सुरक्षित इस माहौल में उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई करना एक चैलेंज था, लॉकडाउन था। उस सब के बावजूद बहुत सारी जगह इसके बारे में विरोध भी था, लेकिन उन सभी को पहुंचाना था। इसके लिए फिर हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई और भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित किया, राजस्थान सरकार के साथ संवाद स्थापित किया और फिर आप लोगों को सुरक्षित आपके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई प्रारंभ की।